प्रवीण बेटा, चलो कोई पोयम सुनाओ। गुरुजी, कोई सा ही पोयम सुना दे आपको, कोई सा भी सुना दे। तो सुनिए पोयम, मोटा मरता मोटी पे, मास्टर जी की है दो बेटी, मैं मरता हूँ छोटी पे। होमवर्क करके क्यों नहीं आए प्रवीण? सनलाइट नहीं थी तो मोमबत्ती या लैंप जला लेते। सर, माचिस नहीं था। माचिस क्यों नहीं थी? माचिस पूजा के घर में रखा हुआ था तो वहां से लेकर आए होते। नहाया हुआ नहीं था। नहाया हुआ क्यों नहीं थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? सर, मोटर नहीं चल रहा था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? अरे मास्टर उल्लू के पट्टे, कितनी बार बोलूं, लाइट नहीं था। अच्छा प्रवीण बेटा, चलो एक बात बताओ, अगर तुमको बुद्धि और पैसा में से दोनों में से कोई एक चीज चुनने को मिले तो तुम क्या चुनोगे? मास्टर जी, मैं तो पैसे को चुनता, मैं तो बुद्धि चुनता। मास्टर जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चीज चुनता है ना। बेटा, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बी सी ए करूंगा गुरुजी, बड़ा होकर। बी सी ए का मतलब क्या होता है? बाप के कैश पर एस। बी सी ए का मतलब यही होता है गुरुजी, बाप के कैश पर एस करूंगा। मास्टर जी, मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? शर्मा जी, बस आप इतना समझ लो, आर्यभट्ट ने जो जीरो की खोज की थी ना, वो आपके बेटे के लिए ही की थी। आपका बेटा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट।